दोस्ती नहीं रखोगी? पर क्यों मॉम, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब नहीं रही वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, जगह तो देखो उसकी, अपने मुलाजिम के साथ शादी कर ली, वो भी अपने बाप को बताए बगैर। मुश्किल वक्त में हेल्प करने के बजाय उल्टा आपको ही हर्ट करें।
देखो, अबे मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे आपने पहचाना? तो बात हो रही है। अच्छा, अच्छी बात है। तो फिर आप तारुफ करवाइए। अरे इस तरह से बात कर रही हो मेरे साथ? बाबू तुम्हारी हरकत पर बहुत हर्ट हुई है सारा। बेटा, नौकरी की वजह से परेशान? नहीं अपा, नौकरी तो लग ही जाएगी। ऐसे मौके पे मैं और अनवर ही तुम्हारी मदद करेंगे ना। ये मुझे अच्छी तरह पता है बेटा कि तुम ऐसे सब का एहसान कभी भी नहीं लोगे। मेरा बच्चा, अच्छा एक बात बताओ, ऐसे सब का कोई फोन आया ना?
तुम्हारी? एहसन साहब को एक एक बार जाकर बतानी चाहिए। एहसन साहब मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सोचूंगा कि अगला कदम क्या होगा। जॉब की तो तुम फिक्र ही ना करो। मेरे चाचा का एक छोटा सा शोरूम है गाड़ियों का, उन्हें एक मैनेजर की जरूरत है। वैसे तो ये जॉब तुम्हारी जमीन के डॉक्यूमेंट्स देख रहा हूँ। तो इसमें क्या इंटरेस्ट तुम्हारा? I'm so proud of Lindy. She's going to be an amazing doctor. She's going into law. मुझे पूरा एतमाद है, लेकिन लेकिन क्या तुम सारा के साथ इस जाति को खामोशी से सुनती हो? अब अगर तुम सारा की हिमायत मुझसे लगे तो मुझसे कोई नरमी की उम्मीद मत रखना। मैं तो यहाँ ये कहने आई थी कि मुझे भूख लग रही है। कॉफी और फ्रेंच टोस्ट बना देंगी मेरे लिए? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ और ना ही कोई 5-star होटल है तो तुम मुझे आके ऑर्डर दे रही हो। भूख लग रही है ना तो खुद बना लो। किचन तुम्हारे सामने, तो साफ सुथरा बना।